सिर्फ आधे मीटर कपड़े से मैंने इसको बनाया है और देखिए कितना बढ़िया स्टोरेज बैग बन करके रेडी हो गया है। ना तो आपको कोई कटिंग करने की ज़रूरत है, ना ही कोई नाप लेने की ज़रूरत है, और देखिए कितना बढ़िया स्टोरेज बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें अपने कपड़े स्टोर करें या फिर कोई भी सामान, देखिए इतने सारे कपड़े रखने के बाद भी देखिए कितना स्पेस इसमें बच गया है, और दोनों साइड में लगे हैं हैंडल, आराम से इसको कैरी कर सकते हो, निकालने उठाने रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप इसको बना सकते हैं बहुत ही कम कीमत में, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो तो बहुत ही महंगा होता है, और आप इसको अपने हिसाब से मजबूत टिकाऊ भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कपड़े को इस तरीके से मैंने खोल के बिछा दिया है। अब आपको जो मेजरमेंट याद रखनी है वो बस एक मेजरमेंट है। तो ये देखिए जो इसकी लंबाई है वो है 44 इंचेस, और जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 18 इंच। तो दोनों साइड से 18 इंच रहेगी और बाकी जो लंबाई है वो रहेगी 44 इंच। तो 44 इंच का लंबा एक टुकड़ा लेंगे हम, तो ये पूरा आधे मीटर में आराम से आ जाएगा, इससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, एक नाप रहेगी 44 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा। इसके अलावा आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, बस आपको ये नाप याद रखनी है। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इंची टेप की हेल्प से इस तरीके से रख लीजिए और आप सीधे सीधे निशान लगा लीजिए। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो फिर आप कोई फुल स्केल ले लीजिए, बड़ा वाला जो स्केल होता है उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर रख लेंगे और इस पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 44 इंच मैंने निशान लगा लिया, इतना कपड़ा है हमारा। आप चौड़ाई 18 इंच ले लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए सिर्फ आधे मीटर से भी कम ही कपड़ा लगा है इसमें। ठीक है, अब जैसे मैंने ये मेन फैब्रिक कट करा है, अब बीच में लगाएंगे लाइनिंग, और लाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आटा बैग। आपके पास आटा बैग हो या कोई प्लास्टिक की शीट हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आटा बैग तो हमारे हम सब के घर में आटा आता ही है, और इस तरह के उसमें शीट में आता है, तो वो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इतना लंबा तो नहीं होता है, उसको खोल करके कट कर लिया है और इसको सिल लिया है। तो देखिए पूरी एक लंबी सी शीट रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने लाइनिंग के तौर पर यूज़ करा है साड़ी, ये मेरी पुरानी साड़ी है, और लाइनिंग में देखिए अच्छे से कवर हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी साड़ी हो या फिर कोई पुराना कपड़ा हो, दुपट्टा हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इस साड़ी से मैंने दो नए ऑर्गेनाइज़र भी बनाए हैं, साड़ी ऑर्गेनाइज़र। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा हैंगिंग साड़ी कवर बनाने का। तो मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट काम करना है वो इसको चारों तरफ से सिलना है। अब आप चाहो तो इसको कच्चा सिल लें या फिर डायरेक्ट मशीन से सिल लें, तो मैं आपको मशीन पे सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसको चारों तरफ से मैंने इस मशीन से स्टिच कर लिया है। इसमें कुछ पलटने का भी कोई टेंशन नहीं है कि कपड़ा में पलटना है, आपको सीधे सीधे सिर्फ सिलना है। आपको बस ध्यान देना है कि बीच में रहेगी हमारी शीट, उसके ऊपर जो हमारी लाइनिंग है वो, और सबसे नीचे रहेगा मेन फैब्रिक, और वो भी सीधे सीधे, कोई उसको उल्टा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस सिंपल सा सिलना है। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो चुका है, हालांकि ये शूट तो मैं बहुत पहले कर रही थी तब बारिश नहीं हुई थी, और अभी तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। चारों तरफ से सिलने के बाद अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे, वो है इसमें निशान। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई कटिंग तो हमने करी नहीं है, तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी ये निशान लगाना। तो यहाँ से सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, और जो पहला निशान होगा वो होगा 8 इंच पे। ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले जो हमें निशान लगाना है वो यहाँ से 8 इंच है। ठीक है, 8 इंच पे निशान लगाया। अब इसके बाद यहीं पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ, और ये रहेगा हमारा 15 इंच पे निशान। ठीक है, पहला निशान हमारा 8 इंच पे था, उसके बाद हमने 15 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद जो बचेगा कपड़ा वो भी सिर्फ 15 इंच ही बचेगा। तो इस तरह से पूरा हम निशान लगा लें,
और इसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके दूसरे साइड से भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके जब हम निशान लगाएंगे तो प्रॉपर लगेंगे और आपको स्टिच करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जहाँ पे इसमें हमने पहले नॉचेस लगाए थे वैसे ही थोड़ा थोड़ा कट करके इसमें नॉचेस लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बाकी जगह पे भी इसी तरीके से नॉचेस लगा लेंगे। तो देखिए सारे निशान इसमें कम्प्लीटली लग चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको बस ध्यान क्या देना है, पहला 8 इंच पे निशान लगाना है, उसके बाद दूसरा 15 इंच पे, फिर 8 इंच पे, उसके बाद फिर जो बचेगा कपड़ा वो ऑलरेडी 15 इंच पे ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए ये एक ट्रांसपेरेंट शीट। जब आप इस ट्रांसपेरेंट शीट को यूज़ करेंगे ना तो देखिए आप जो भी सामान रखेंगे आपको ढूंढने निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, पर ये बहुत सस्ती आती है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो हमारी लेंथ है वो है 15 इंच और जो चौड़ाई रखनी है वो है 8 इंच। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से 15x8 के हमें दो पीसेस चाहिए। ठीक है, हमको सिर्फ दो पीसेस चाहिए 15x8 के। आप इसको कट कर लें और ये लगेगा साइड में। अब इसको सिलना कैसे है ये भी ध्यान दीजिए। ये जो हमने नंबर्स में इसको बांटा था ना, हमें इसी नंबर्स पे ही सिलना है। जो पहला 8 इंच पे हमने निशान लगाया था वो है इसका फ्लैप। ठीक है, वहाँ पे हम लगाएंगे चेन, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो 15 इंच है वो कपड़े हमारा जो बैग है उसकी लंबाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 इंच है वहाँ पे हम इस शीट को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये साइड का हिस्सा आता है, इसको हम जोड़ देंगे, स्टिच कर देंगे। बस पहले हमें इस कॉर्नर को स्टिच करना है। तो ये देखिए ये एक तरफ मैंने सिल दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको दूसरे वाली कॉर्नर को ऐसे उठाना है और आपको इस तरफ से भी सिल लेना है। ये देखिए इस तरीके से इधर से सिल लेंगे, फिर उस तरफ से भी सिल लेंगे, तो आपका ये पूरा एक साइड में पूरा स्टिच हो जाएगा। तो ये देखिए तैयार होके कुछ इस तरीके से साइड में दिखता है। और ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा साइड वाला पूरा पोर्शन हमने ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर लिया है। और अब दूसरे साइड से भी इसको इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। बस ध्यान देना है जो हमारा 8 इंच है उसी पे इसको रख के सिलना है। उसके बाद 15x15 वाले हिस्से को इसी से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों हिस्से ज्वाइन कर लिए हैं और इसको पलट भी दिया है। और देखिए बैग कितना बढ़िया बना है। अभी इसमें चैन लगाना बाकी है और हैंडल लगाना है। ये देखिए, और ये बहुत मतलब इसमें शेप नहीं ख़राब होगा, इसमें जो मैंने फैब्रिक यूज़ करा है और लाइनिंग यूज़ करी है और इसके साथ ही साथ अंदर जो हमने शीट यूज़ करी है ना उससे ये बिल्कुल भी एडिटेज ही रहेगा, इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगा। आपको कोई अलग से कार्डबोर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसमें लगाती हूँ बेल्ट, और बेल्ट के लिए भी मैंने देखिए वही शीट यूज़ करी है, उसी को कट कर लिया है। और आप कपड़ा ले लें 5 इंच चौड़ा और आपको जितनी लंबी बेल्ट चाहिए उतना ले लें और इस तरीके से फोल्ड कर लें। और हाँ, अगर आपके पास शीट कम पड़ी हो तो आप बीच में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखिए मैंने भी शीट को स्टिच करा है बीच से। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए और इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए दोनों बेल्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब चेन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, चेन में रनर डालना बाकी रह गया है, उसको भी डाल लेते हैं। अच्छा देखिए, चेन में अगर रनर आप चाहो तो बाद में लगा सकते हो या फिर पहले से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और साइड में मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। चेन को इस तरह से ले लें और देखिए ये वाला हिस्सा अंदर की ओर चला जाएगा ऐसे साइड में, और इसके ऊपर आप चेन को इस तरीके से स्टिच कर लें।
अच्छा एक और चीज़, आप कपड़े को ना इसी वक्त फोल्ड कर देंगे तो आपको फिर पलट करके स्टिच नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे कॉर्नर को फोल्ड करना है तो उसके लिए आपको जिप को ऊपर कर लें तो ये जो दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे ना, अब आप आराम से इसको फोल्ड कर सकते हैं। कपड़े को मोड़िए और जिप को भी मोड़िए और इसको सिल लीजिए, तो कॉर्नर्स में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी और सिलने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ हमने चेन लगा ली है। अब नीचे की तरफ, क्योंकि हीट है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करिए, जैसे मैंने देखिए पिन से इसको फोल्ड करा हुआ है, पिन की हेल्प से आप इसी तरह से फोल्ड कर लें ऐसे, ठीक है। जैसे हमने कपड़ा फोल्ड करा था वैसे ही हम शीट को भी फोल्ड कर लेंगे और जेब के ऊपर स्टिच कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप पिन की हेल्प लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका कपड़ा भागेगा भी नहीं और आपको सिलने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने बेल्ट भी अटैच कर ली और देखिए कितना बढ़िया बैग बना है। ये देखिए, आप इसको एक हाथ से उठा लेंगे तो भी शेप नहीं ख़राब होगा, आप इसमें कपड़े रख लेंगे तो भी इसका शेप ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, थोड़ा सा आपको मजबूती देनी है तो आप बेशक अंदर से कुछ रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छे से शेप में बना हुआ है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे और ये बहुत स्पेशियस है। ये देखिए, और जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ करी है तो इससे आपको ढूंढने में, निकालने में, रखने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसको बनाने के लिए आप नए पुराने किसी भी तरह के कपड़े यूज़ कर सकते हैं, आप दुपट्टा, साड़ी, इवन आपके पास कुर्ती का कपड़ा हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम कपड़े में बन के रेडी हो जाता है। अब मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ कि देखिए इसमें कितना स्टोरेज है, काफ़ी सारा इसमें सामान आ जाएगा। ये देखिए, इसमें मैंने अपने सारे कपड़े रख लिए हैं, देखिए फिर भी इसमें अभी भी बहुत स्पेस बचा है। ये देखिए, और कोई शेप इसका ख़राब नहीं हुआ है, आप इसको आराम से उठा करके रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। ये देखिए, आप इसको अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, इस तरह की ओपन शेल्फ हैं तो उसमें भी रख सकते हैं, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, कपड़ों के अलावा इसमें आप और भी बहुत कुछ रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए, इसमें तो रखे हैं मैंने कपड़े और देखिए अभी भी इसमें बहुत स्पेस है, देख रहे हैं आप। इसमें अच्छे से आप उसमें वूलन भी रख सकते हो, ब्लैंकेट वगैरह भी रख सकते हो। तो देखिए, इतने सारे कपड़े रखने के बाद भी अभी भी इसमें बहुत स्पेस बचा हुआ है, अगर मैं इसको और अच्छे से रखूं तो मैंने तो अभी ऐसे ही रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये था मेरा आज का फ्रेंड्स वीडियो, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।